बेंटेन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको शायद ही बताऊंगे। ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में जान के आपको हैरानी होगी, और इनमें से कुछ तो ऑन स्क्रीन हमें दिखे भी है लेकिन लोगों ने नोटिस ही नहीं किए। और ट्रस्ट मी, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप कमेंट्स में बताना कि आपको इनमें से कौन से बताते या कौन से नहीं बताते। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ये वीडियो अपने बेंटेन के फैन दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो यही है कि क्या आपको मालूम है कि नैनोमैक एक ऐसा एलियन है जिसे कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मूवी के लिए बनाया गया था, बेन की, मतलब लाइव एक्शन मूवी के लिए। बेन की जो थी बेन 10 एलियन स्वॉर्म, आपने देखी कि नहीं कमेंट्स में बताना। स्पेशली इसके लिए इसे बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे एनिमेटेड सीरीज में भी डाल दिया गया। अब क्या करते हैं, एलियन इन्वेंट कर दिया लेकिन इसके बाद इसको ऐसे ही एक मूवी के लिए खाली छोड़ेंगे तो इसकी पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगी, तो इसको सीरीज में भी डाल सकते हैं। शायद सीरीज में नहीं डालते अगर एलियन स्वॉर्म जो लाइव एक्शन मूवी है उसका सेकंड पार्ट अगर ये लोग बनाते, या कोई और लाइव एक्शन मूवी बनाते उसी यूनिवर्स में एलियन स्वॉर्म वाले में, तो इसे शायद नहीं डालते। पर मूवी इतनी ज़्यादा उन एक्सपेक्टेशंस पर चली नहीं तो इसलिए इस आइडिया को ड्रॉप करके इसे एनिमेटेड सीरीज में हिस्सा बना दिया। इसके बाद दूसरा ये है कि बेन जो है एक हाफ ह्यूमन है, हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा होगा कि इसके नॉर्मल फ्रेंड्स भी हैं, मतलब ह्यूमन फ्रेंड्स भी हैं। इसके ऑलमोस्ट सारे दोस्त या तो एलियंस हैं या तो म्यूटेंट्स हैं, जैसे कि केविन, एजमत, सारे प्लमर्स या कोई और भी, लेकिन इसके नॉर्मल ह्यूमन दोस्त भी है। और एक तो उसी बर्गर शैक में काम भी करता है जिसमें बेन खाना ठूसने जाता है। ये रेस्टोरेंट बेन 10 के यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है। क्या आपने कभी नोटिस किया है इसके बारे में, कमेंट से बताना। इसके बाद तीसरा है कि बेन 50 से ज़्यादा डिमेंशन एक्सप्लोर कर चुका है, मतलब उनको विजिट कर चुका है और न जाने कितनी टाइमलाइंस में जा चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा मल्टीवर्स तो ये खेल चुका है। मल्टीवर्स हमें बेन 10 में भी देखने को मिल चुका है, जहाँ छोटा बेन बड़ा बेन एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि मेरी दुनिया में ये है, तुम्हारी दुनिया में ये है, मुझे बचपन से ही ओमनीट्रिक्स ऐसी मिली वगैरह वगैरह। वैसे बेन के डिफरेंट वेरिएंट्स हमें टाइम ट्रेवल के थ्रू भी देखने को मिले हैं, मतलब बेन टाइम ट्रेवल भी कर चुका है बहुत बार, खासतौर से प्रोफेसर पैराडॉक्स वाले एपिसोड में तो खूब ही किया है। इसके बाद चौथा ये है कि ओमनीट्रिक्स जो है सिर्फ यूजर को बदलती नहीं है या फिर सिर्फ उसको बचाती नहीं है, बल्कि अगर यूजर किसी भी वजह से अपनी मेमोरी खो देता है, फॉर एग्जाम्पल दिमाग में चोट लग गई या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, तो उसमें भी वो हेल्प कर देती है। अगर ऐसा होता तो ओमनीट्रिक्स जो है अपने कोई भी जो फंक्शन चल रहा होता है उसको लॉकआउट कर देती है और इसके बाद यूजर की मेमोरी रिस्टोर कर देगी। क्या आपको ये पता था ओमनीट्रिक्स इतनी हेल्पफुल है, कमेंट्स में बताओ। इसके बाद पांचवा ये है कि ओमनीट्रिक्स जो है बेन के एलियंस को उसकी एज के हिसाब से ढाल देती है, मतलब कि बेन के जो एलियंस होते हैं वो भी उसी एज के होते हैं जिस एज का बेन होता है। इसलिए हमें बेन 10 क्लासिक और बेन 10 एलियन फोर्स में बेन 10 के एलियंस का लुक, मतलब टेक्स्चर और पावर लेवल्स अलग अलग दिखे, जैसे कि फोर आर्म्स, डायमंड हेड। हाँ, एनिमेशन और पावर लेवल्स की भी वजह से ये होता है, पर ये चीज़ भी है कि बेन के साथ ओमनीट्रिक्स ये चीज़ करती है और इसके फायदे भी हैं। जैसे जैसे कि एज बढ़ती है वैसे वैसे एलियंस की और नई पावर्स अनलॉक होती जाती है, जैसे ह्यूमंस में नहीं होता, एज के साथ स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, वैसे कुछ एलियंस में भी एज के साथ साथ स्ट्रेंथ और कुछ पावर्स भी अनलॉक होती जाती है और उन्हें यूज़ करना और भी ज़्यादा आसान या अकेले मुश्किल होता जाता है। हर एलियन के लिए अलग अलग है। तो वेल, इस वीडियो में इतना ही। ये थी वीडियो बेन 10 के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता। आपको इनमें से कौन सा पता था, कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।